नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अपने रिजल्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए? क्या आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो? क्या आपको अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए? क्या आप विदेश जाना चाहते हो? क्या आप अच्छी नौकरी चाहते हो? क्या आप विशाल भव्य बंगले में रहना चाहते हो? क्या आप लग्जरियस कार चाहते हो? क्या आप बॉडी बनाना चाहते हो? क्या आप अपना वेट घटाना चाहते हो? क्या आप अपने आप को, स्वयं को पहचानना चाहते हो? क्या आप स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ना चाहते हो? दोस्तों, अगर आपका आंसर हाँ है तो रेडी हो जाइए एक अमेजिंग माइंड पावर विजुअलाइजेशन टेक्निक के परिचय के लिए। तैयार हो जाइए, जिस पावर का हम यूज करके हमारे जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। ये वीडियो एडवांस लेवल माइंड प्रोग्रामिंग की है, इसलिए अगर आपने मेरी पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी बेसिक बातें मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है। इसीलिए आप वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको ये वीडियो की बातें समझने में आसानी होगी। अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन क्या है वो जानते हैं। जो चित्र या स्टोरी को हम हमारे माइंड में देखते हैं उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, और ये विजुअलाइजेशन कोई नया साइंस नहीं है। हम सदियों से ये टेक्निक का यूज करते हैं, पर हमको पता नहीं है, इसीलिए हम इस शक्तिशाली पावरफुल टेक्निक का पूरी तरह से यूज कर नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि एक चित्रकार कोई चित्र बनाने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में वो चित्र को विजुलाइज करता है, उसके बाद वो चित्र को अपने कैनवास में ड्रॉ करता है। उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चित्र सबसे पहले चित्रकार के माइंड में तैयार होता है, उसके बाद वो वास्तविक रूप लेता है। तो क्या हम इस विजुअलाइजेशन पावर का हमारी लाइफ का रीप्रोग्रामिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं? क्या हम हमारे डिजायर गोल को विजुअलाइज करके अचीव कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ दोस्तों, हम कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको ये बात समझाता हूँ। 1990 में एक लड़का एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, पर उसे कोई अपनी फिल्म में ले नहीं रहा था। इसीलिए उसने खुद को अच्छा फील कराने के लिए उसने एक चेक पे $10 million अमाउंट एक्टिंग सर्विस रेंडरेड के नाम का लिखकर उस चेक को अपने वॉलेट में रख दिया और वापस अपने काम पे लग गया। वो हर दिन ये चेक को देखता था और फील करता था कि मुझे इतनी सारी अमाउंट्स मिल चुकी है। वो विजुलाइज करता था, और उसने ये अनजाने में किया था। खुद को मोटिवेट करने के लिए बनाया गया चेक एक असरकारक क्रिएटिव विजुलाइजेशन के कारण हकीकत में बदल गया। इस लड़के को एक फिल्म में काम मिला, और उस फिल्म में काम करने के लिए उसको $10 million एग्जैक्ट अमाउंट का चेक मिला था। इस लड़के का नाम था जिम कैरी, और उसकी वो फिल्म का नाम था डम एंड डम्बर। ये बात जिम कैरी ने उसके एक इंटरव्यू में बताया था। दोस्तों, एक अनजाने में किया गया विजुअलाइजेशन इतना इफेक्टिवली वर्क कर सकता है, तो अगर हम इसका साइंस जान के सही तरीके से विजुअलाइज करना सीख जाए तो सोचिए, हम हमारी पूरी लाइफ को बदल के रख देंगे। एक्चुअली हर फील्ड में लोग अनजाने में विजुअलाइजेशन पावर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि बिल्डर हो तो अपनी न्यू बिल्डिंग का विजुअलाइजेशन करता है, डांस कोरियोग्राफर डांसिंग स्टेप का विजुअलाइजेशन, लेखक अपनी न्यू स्टोरी का विजुअलाइजेशन, फैशन डिजाइनर अपने न्यू आउटलेट का डिजाइन विजुलाइज करता है और उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। पर कहीं बार उनको भी नेगेटिव रिजल्ट मिल जाते हैं और वो लोग परेशान हो जाते हैं। पर दोस्तों, आज मैं आपको विजुलाइजेशन किस तरह से काम करता है, उसका साइंस क्या है, हम कैसे उसका यूज करें, वो सब मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। विजुअलाइजेशन का क्रिएटिव वे से कैसे यूज करना है वो जानने से पहले आपको अपने माइंड के बारे में जानना होगा। हमारे मन के पास असीम शक्ति है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी जबरदस्त पावर है कि अगर हम सही तरीके से और पॉजिटिव सोच के उसका यूज करते हैं तो हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी। माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे हमारे डिजायर गोल को पूरा करने में हेल्प करता है वो डिटेल में जानते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले तो जान लीजिए कि हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर है, और हमारा माइंड रूपी सुपर कंप्यूटर सैटेलाइट से कनेक्टेड है। सैटेलाइट यानी कि आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो, या आपके गॉड या ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, जो आपको ठीक लगे वो आप मान सकते हो। और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमारे माइंड का रिप्रोग्रामिंग है, यानी कि हम जो डिजायर गोल अचीव करना चाहते हैं उसका एक नक्शा तैयार करना है, और वो नक्शा सबकॉन्शियस माइंड रूपी सुपर कंप्यूटर से आपको ये संदेश, आपको सैटेलाइट रूपी गॉड या अनंत ऊर्जा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो मानते हैं उसको सही वे से पहुंचाना है। और अब ये सैटेलाइट रूपी अनंत शक्ति आपको जो चाहिए वो पूरी तरह से आपके पास लाने में कार्यरत हो जाएगी। इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड का क्रिएटिव वे से विजुअलाइजेशन करना चाहिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपको अपने गोल के करीब ले जाता है। आप अपने आप से पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं, और उससे आप बहुत कम समय में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं खुद भी मेरी लाइफ में कोई
कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेता हूँ तो मैं सबसे पहले क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करता हूँ, जिससे मैं मेरे लाइफ के काफी सारे गोल फास्टेस्ट वे से अचीव करने में सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको जो चाहिए उसका आपको अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करना है जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। उसके बाद आप अपने माइंड को ऑटो सजेशन दो, कमांड दो, यानी कि एक तरह से अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करें। आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसका पॉजिटिव थॉट से अपने माइंड में कमांड दे और अपने माइंड में वो सब बातों को विजुलाइज करें। ये सब आप घोंघाट भरे एटमोस्फियर में इफेक्टिव वे से नहीं कर पाएंगे। रिसर्च से पता चला है कि विजुलाइजेशन मेडिटेट और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की पोजीशन में इफेक्टिव वे से वर्क करता है। इसीलिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की प्रोसेस का अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आपको कोई शांत जगह पर बैठ जाना चाहिए। विजुअलाइजेशन करने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग का है, इसीलिए आपको सुबह उठने से पूर्व विजुअलाइजेशन प्रोसेस करनी है, यानी कि सबकॉन्शियस पोजीशन में ये प्रोसेस करनी है। अब ये सबकॉन्शियस पोजीशन क्या है वो पहले जानते हैं। हमारे माइंड की 4 डिफरेंट पोजीशन है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा अवस्था यानी कि जागृत अवस्था। बीटा अवस्था में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड 14 से 21 के बीच में होती है। जागृत अवस्था में हम हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से काम करते हैं। अल्फा यानी कि सबकॉन्शियस पोजीशंस। अल्फा अवस्था में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड 7 से 14 के बीच में होती है। अल्फा पोजीशंस में हम लाइट स्लीप, डीप मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव एंड सुपर लर्निंग, वो सब काम इस समय के दौरान हम कर सकते हैं। थीटा पोजीशंस। थीटा अवस्था में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड 4 से 7 के बीच में होती है। हम जब सो जाते हैं तब उस समय की पोजीशंस को थीटा पोजीशंस कहा जाता है। डेल्टा यानी कि बेहोशी की अवस्था। डेल्टा अवस्था में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड 1 से 4 के बीच में होती है। जब हम बेहोश हो जाते हैं तब हम डेल्टा अवस्था में होते हैं। ये सब पोजीशंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस के लिए जो पोजीशंस है वो है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। हमें अल्फा पोजीशंस में ही हमारे माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना है, यानी कि रिलैक्सेशन या मेडिटेशन करके हमारे माइंड को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाके विजुअलाइजेशन की प्रोसेस करनी है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, अपनी आंखें बंद करें और सोचिए कि आप एक बड़े से थिएटर में अकेले बैठे हैं और आपके सामने एक बड़ी स्क्रीन में आपके लाइफ की फिल्म चल रही है। स्टेप 2, आपकी हाल की जो भी सिचुएशंस है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव, आपको अपनी करंट सिचुएशंस को इस थिएटर की स्क्रीन पे देखना है। एग्जांपल, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो आप हाल की करंट सिचुएशंस को थिएटर की इस बड़ी स्क्रीन में देखना है। और आप रियल में वेट बहुत होने के कारण जो फील करते हैं, आपको वेट बहुत होने के कारण जो भी सामाजिक कार्य में प्रॉब्लम्स आती है, जो इमोशनल पेन आपको होता है, वो सब दिल से फील करें। काफी सारे लोग कहेंगे जो प्रॉब्लम है उसको क्यों हम वापस विजुलाइज करें। पर दोस्तों, यही एक इंटरेस्टिंग थॉट ये है, ऐसा करने से आपको वो दर्द, वो परेशानी या वो सब जो आप नहीं करना चाहते हो, उससे ऑपोजिट जो आपको चाहिए उस पे फोकस करने में वही बात आपको हेल्पफुल बनेगी। आपकी वही नेगेटिव फीलिंग्स आपको एक पॉजिटिव पुशअप अपने अंदर से देगी कि मुझे उससे बाहर निकलना है। पर याद रखें, 1-2 मिनट से ज्यादा देर तक नेगेटिव फीलिंग में मत रहे। स्टेप 4, 1-2 मिनट के बाद तुरंत अपने आप को एक क्वेश्चन करो कि मुझे क्या चाहिए। तुरंत आपको एक पॉजिटिव बूस्ट अपने आप को मिल जाएगा और अब आपको जो चाहिए वो विजुलाइज करें और जो आपको चाहिए वो हकीकत में आपको मिलने की प्रक्रिया में है, ऐसा विजुलाइज करना है। उसमें अपनी 5 इंद्रियों का यूज करें। अगर आपको बैक पेन है तो विजुलाइज करें कि आप अब पहले से काफी बेटर है, आपको अब बैक पेन जैसा कुछ फील नहीं होता है, आपकी सेहत अच्छी है और आप आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो रहे हैं। अपने आप को जॉगिंग करते दौड़ते हुए विजुलाइज करें। विजुलाइज करें कि आप जॉगिंग करते करते चॉकलेट खा रहे हो। बगीचे के फूलों को सूंघ के फील करें। इस तरह हर इंद्रियों का यूज करें और विजुलाइजेशन प्रोसेस को और भी रियल बनाने की कोशिश करें, जैसा कि अभी ही ऐसा हो रहा है। इस तरह आपका विजुलाइजेशन होना चाहिए जिससे आपको ये लगे कि ये रियल में हो रहा है। उससे आपकी विजुलाइजेशन प्रोसेस पावरफुल हो जाएगी। ये प्रोसेस से ये होगा कि अब आपके माइंड को एक परफेक्ट मैप मिल जाएगा और अब आपका सबकॉन्शियस माइंड रूपी सुपर कंप्यूटर वो संदेश, वो मैप सैटेलाइट रूपी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भेज देगा और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको जो चाहिए वो सब सिचुएशंस का सर्जन करना शुरू कर देगा
और एक ना एक दिन आपका ये क्रिएटिव विजुलाइजेशंस रियल लाइफ में हकीकत हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि क्रिएटिव विजुलाइजेशंस बाय शक्ति गाविन बुक के जो प्रिंसिपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो विजुलाइजेशंस टेक्निक का आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो जरूर आप अपने गोल को फास्टेस्ट वे से अचीव कर लेंगे। और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स इस बुक में ऑथर ने बताया है, इन सब प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए है, जिससे आप और भी अच्छी तरह से आप ये क्रिएटिव विजुलाइजेशंस को समझ पाएंगे। अगर आप भी ये बुक पढ़ना चाहते हो तो मैंने बुक की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जहां से आप बुक को परचेस कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या चैनल के डिस्कशन टैब में बता सकते हैं। अगर आप ट्विटर के जरिए कुछ पूछना चाहते हो तो हमें #AskDesireHindi और अपना क्वेश्चंस लिखकर हमें ट्वीट कर दीजिए। मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारी आगे आने वाली इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बुक समरी को मिस करना नहीं चाहते हो तो कृपया डिजायर हिंदी चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you for watching. Have a great day, friends. I will see you next time.